यूपी के बुलंदशहर में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी को बुलंदशहर प्रशासन ने पूरा कर लिया है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी की माने तो बाकायदा प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोरोना के चलते मतदाताओं के लिए गुलाब सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और संदिग्ध या संक्रमित पाए जाने वाले मतदाताओं को एम्बुलेंस के माध्यम से कोविड हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। हालांकि कोरोना पीड़ितों को भी मतदान के अंतिम घंटे में मतदान की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, बुलंदशहर में चुनाव को लेकर सीमाएं सील कर दी गई हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी की माने तो 203 मतदान केंद्रों पर 579 मतदेय स्थलों पर 388,508 मतदाता मतदान करेंगी। 5 जोनल 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने दावा किया कि बुलंदशहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है और आज शाम 6 बजे के बाद बुलंदशहर में जनपद का कोई भी भारी व्यक्ति नहीं रहेगा, उसका रहना वर्जित माना जाएगा। बुलंदशहर में 4500 पुलिस कर्मियों सहित 3 पैरामिलिट्री कंपनियां, 250 महिला पुलिस कर्मी आदि तैनात किए गए हैं, जबकि हिस्ट्री शीटर की निगरानी की जा रही है और 1000 से अधिक लोगों को रेड कार्ड वितरित किए गए हैं। मतदान को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है सर? देखिए, 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान का समय नियत है। हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जितने भी हमारे यहाँ 579 बूथ हैं, बूथ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने EVM, VVPAT, पोलिंग पर्सनल, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, वीडियो कैमरामैन, SST, FST, जितने वीडियो सर्विलेंस टीम हैं, सबका प्रशिक्षण, सबकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जितने भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होने हैं, बाहर से भी पैरामिलिट्री फोर्स PSC मंगाई गई है और यहां लोकल फोर्स भी, तो गाइडलाइंस हैं, ECI के गाइडलाइंस के अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आज शाम 6 बजे के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर के अलावा जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं वो सब यहां वर्जित होंगे। इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसके आसपास के 8 किलोमीटर के दायरे में हमने 188 देसी विदेशी शराब के दुकान चिन्हित किए गए हैं, सारे बंद रहेंगे और 3 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे है। तो हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हम आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न। सर, कोरोना काल में पहला मतदान होना है, कोरोना की क्या, कोरोना को लेकर के क्या तैयारी बूथों पर रहेगी? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एवरी वोटर के लिए हमने हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की है, प्रत्येक बूथ पे हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, प्रत्येक बूथ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के पर्सनल थर्मल स्कैनर से थर्मल स्कैनिंग करेंगे। अगर कोई लोग संक्रमित पाए जाते हैं या सस्पेक्टेड भी पाए जाते हैं उनके लिए 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि जोनल मजिस्ट्रेट, 1 जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उसके 2-2 एम्बुलेंस रहेंगे और जरूरत के मुताबिक उसको मूव करेंगे। जो लोग कोरोना संक्रमित भी हैं उनके लिए भी मतदान की व्यवस्था की गई है, जो कि लास्ट आवर में उन्हें मतदान करने के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक PPE किट वगैरह की भी व्यवस्था कर ली गई है। जो पोलिंग पर्सनल हैं उसको भी इन सब चीज देने के साथ साथ फेस शील्ड की व्यवस्था की गई है। तो मिलाजुला कर हमने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं कर ली। सर, मतदान उपचुनाव में मतदान काफी कम रहता है, ये देखा गया है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन निर्वाचन आयोग के क्या प्रयास रहेंगे ताकि जो है मतदान बढ़ाया जा सके? देखिए, 2019 में 62.7% पोलिंग परसेंटेज था, 2017 में 64% था। इस बार हमने, एक तो कोविड है और दूसरा उपचुनाव है जिसमें कि ये संभावनाएं रहती हैं कि लोग कम इच्छुक रहेंगे, तो लोगों की जागरूकता के लिए हमने बृहद कार्यक्रम चलाए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग है। लगभग 4500 से अधिक की संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगाए गए हैं। 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स हमें मिली है, इसके अतिरिक्त 2 कंपनी PSC एक्स्ट्रा मिली है। 250 से अधिक महिला आरक्षियों की व्यवस्था की गई है। हमने थाना मोबाइल्स के अतिरिक्त जनपद के जो अन्य थाना प्रभारी थे जिनके यहां चुनाव नहीं है उनकी एक्स्ट्रा मोबाइल्स बनाई है, चौकी मोबाइल्स बनाई है, इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई है। किसी प्रकार की सूचना किसी भी मतदान केंद्र पर मिलने पर हमारा प्रयास होगा कि 3 से 5 मिनट के भीतर पर्याप्त पुलिस बल उस मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के वितरण या धन वितरण को दृष्टिगत रखते हुए हमने 25 से अधिक टीमें अपनी बनाई हैं,
जो ऐसे संभावित इलाकों में जाके लोगों से संपर्क कर रही है, आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों को नजर रख रही है। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गाड़ी और उसकी तलाशी की जा रही है। तो इस तरह हम आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी स्वतंत्रता निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न करेंगे। सर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका किस तरह से? देखिए, इनमें हमने तो 1000 से अधिक हिस्ट्री सीटर्स और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रेड कार्ड जारी करके उन्हें अवगत करा दिया गया है कि उनकी गतिविधियों पर हम नजर रखे हुए हैं, और अगर मतदान के अतिरिक्त किसी अन्य भिन्न गतिविधि में वो भ्रमण करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में हिस्ट्री सीटर्स की निगरानी 100% कर ली गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।